हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। ये क्वेश्चन है, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 1 2 1 2 एंड पैरालेल टू द लाइन 2x=3y, z=1 आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। प्लेन का इक्वेशन पहले ज्ञात करेंगे, इसके लिए तरीका क्या है। एक पॉइंट इन दोनों से किसी एक को ले लेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट से एक डायरेक्शन रेशियो देख लीजिए। ये पॉइंट ए है 1 2 1, ये पॉइंट बी है 2 1 2, और एक लाइन दिया हुआ है 2x=3y और z=1। एक प्लेन का इक्वेशन जो इस लाइन के पैरालेल है और दोनों पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, जैसे इस बोर्ड का इक्वेशन। इसके लिए फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो, जबकि डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में x-x1, y-y1, z-z1 होता है। मीन्स एक्स वाई जेड से, एक्स वन वाई वन जेड वन दोनों से कोई पॉइंट ले लेते हैं। दूसरे रो में किसी डायरेक्शन रेशियो को, और तीसरे रो में भी किसी दूसरे डायरेक्शन रेशियो को लिखते हैं, दिक अनुपात को। जैसे ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, तो एक डायरेक्शन रेशियो दोनों पॉइंट से आ जाएगा। इससे इसको या इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a1 b1 c1 आ जाएगा, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का ज्ञात कर लेंगे इसको, और ये डायरेक्शन रेशियो यहां लिख देंगे। ये ए बी और ये जो दिया हुआ लाइन है, दोनों नॉट पैरालेल की स्थिति में ये प्लेन का इक्वेशन होता है। तो इस तरह रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, यक्स माइनस पहला ही पॉइंट ले लेते हैं 1, y-2 z-1, और सेकेंड रो में डायरेक्शन रेशियो के लिए 2 से 1, 1 से 2 और 2 से 1 सबट्रैक्ट कर लेंगे। और तीसरा डायरेक्शन रेशियो के लिए, चूंकि ये दोनों नॉट पैरालेल है, और इसको पहले साइमेट्रिक फॉर्म में लिख दें, तो x/3 इक्वल y/2 इक्वल z=1 है, तो इसको लिखेंगे z-1/0। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आया 3:0, और इक्वल यहां 0 लिखेंगे। ये हो गया रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। ये तो फार्मूला हमने समझा दिया। अब इसको एक्सपेंस करेंगे, x-1, 0-2, -y-2, 0-3, +z-1, 2+3 =0। इस तरह -2x+2 -+3 का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 3y-6 और 5z-5 =0। तो -2x+3y+5z और ये हो गया -9=0। ये रिक्वायर्ड प्लेन का ये इक्वेशन आ गया। इस प्लेन के इक्वेशन को चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए पहला ही चेक करते हैं। तो -2x के प्लेस पर तो ये हो गया 4, 0y पर तो ये 0 आ रहा है, 1 5 पर तो ये 5, और -9=0 सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ऑप्शन ए ही सही है। इस तरह यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।